बकासन। बकासन का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सीधे वो कुड़ू खड़े हो जाते हैं और अपने पंजों के बल आ जाते हैं। उसके बाद में अपने घुटने को अपने कांख के पास रखते हुए अपने पैरों को ऊपर उठा लेते हैं, पंजों को बाहर की ओर खींच करके रखते हैं। अपनी श्वास को सामान्य रखते हुए अपने शरीर को आसन की अंतिम स्थिति में संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। अपने पैरों को सुविधा अनुसार एक दूसरे से मिला सकते हैं या एक दूसरे के समानांतर परस्पर समानांतर रखा जा सकता है। यदि हम इस आसन के सावधानियों के बारे में बात करें तो यदि आपको उच्च रक्तचाप है, आप हृदय रोगी हैं या मस्तिष्क के रोगी हैं तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। दूसरा, अन्य जो सावधानियां हैं, जैसे कि अगर आपके घुटने में कोई समस्या है, यदि आपके कोहनी में कोई समस्या है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से पूर्व आपको और अन्य आसनों के अभ्यास में महारत हासिल हो तभी आप इसका अभ्यास करें। लाभ के बारे में बात करें तो इस आसन से तंत्रिका तंत्र को संतुलन प्राप्त होता है, भुजाओं और कलाइयों में मजबूती आती है, शारीरिक संतुलन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। इस आसन को करने से हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जो योग का लक्ष्य है मन और शरीर को जोड़ना, वह प्राप्त हो जाता है।